एक जंगल में बंटी अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। उनकी 10 साल की बेटी टूनी भी थी। बंटी का बाहर भी एक चिड़िया के साथ अफेयर था जिसका नाम टुनटुनी था। एक सुबह बंटी पार्क में टुनटुनी से मिलने आता है। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या तुमको पता नहीं कि मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकाल कर तुमसे मिलने आता हूँ और तुम हो कि देर करती हो? अच्छा, ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम? कभी तो सबके सामने आना होगा ना। तुम तो जानती ही हो कि मेरी बीवी और बच्चे हैं, तो वो दिन तो कभी नहीं आएगा। मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम आज कैसी बातें कर रही हो? मैं शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। टुनटुनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर सोचती है, मुझे बंटी ने धोखा दिया है, मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूँगी। टुनटुनी मन में ये सब सोच रही होती है, तभी उसे बंटी की कॉल आती है। टुनटुनी, वो एक दिक्कत हो गई है। क्या हुआ बंटी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी बीवी बबली का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं बची। अब मेरी बच्ची और मेरा क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ। टुनटुनी बंटी के पास जाती है और उसे संभालती है। कुछ ही दिनों में वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 15 दिन बाद बंटी कबूतर दूसरे जंगल किसी काम से जाता है। उसे गए हुए सिर्फ एक दिन हुआ था, तभी टुनटुनी से फोन करती है। बंटी तुम घर वापस आ जाओ। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? बस तुम पहले घर आ जाओ। हमारी टूनी डाल पर खेल रही थी और खेलते खेलते नीचे गिर गई और अब वो हमारे बीच में नहीं है। है भगवान, ये क्या कर दिया, मेरी फूल सी बच्ची को इस दुनिया से उठा लिया। भगवान, तूने मुझे अकेला कर दिया है। बंटी टूनी का अंतिम संस्कार करता है। अब टूनी को मरे हुए एक महीना गुजर गया था। टुनटुनी अब खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन टुनटुनी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। अब आराम से रह सकती हूँ। अच्छा हुआ टूनी और उसकी माँ मर गई। पहले उसके काम भी करने पड़ते थे, अब सारे खर्चे बच गए। अब हम विदेश का टूर भी कर सकते हैं। जैसे ही टुनटुनी पीछे मुड़ती है, उसकी चीखें निकल जाती है क्योंकि सामने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा खड़ी थी। भूत नहीं, मैं टूनी हूँ। टूनी, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। टूनी टूनी, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना। मेरी माँ को भी मार दिया तुमने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी टुनटुनी बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। नहीं टुनटुनी, मैं नहीं मान सकता कि मेरी बेटी भूत बनकर परेशान करेगी। अगर ऐसा है तो टूनी मुझसे बहुत प्यार करती थी। टूनी बेटा, तेरा पिता तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है, अगर तू घर में है तो मेरे सामने आ जा बेटा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी के सामने आ जाती है। पापा पापा, आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक टुनटुनी नहीं मर जाती है, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटा, ये तेरी माँ है। बस पापा बस, मुझे घिन आती है इससे। आप जानते हो मेरी मौत कैसे हुई? जब आप शहर से बाहर गए थे, मैं डाल पर खेल रही थी, तभी वहाँ टुनटुनी आई। बेटा तुम यहाँ खेल रही हो, मैं तो कब से नीचे इंतजार कर रही हूँ। बताओ आज तुम्हें खाने में क्या खाना है? मैं मन में सोचने लगी, हर रोज ये चिड़िया मुझे मारती है, खाना नहीं देती, लेकिन आज इसे क्या हो गया है? ये कह रही है मेरी पसंद का खाना बनेगा। तभी ये बात करती हुई मेरे पास आई और एक जोर का धक्का मुझे मार दिया। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन ये मेरी मदद नहीं करने आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरी माँ को किसने मारा था? जब माँ बाजार जा रही थी तो तुमने ही माँ का एक्सीडेंट करवाया था। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मैंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खो दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ विश्वासघात? आप मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इन दोनों को बहुत प्यार करती थी। बस अब चुप हो जाओ टुनटुनी, मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता हूँ। पापा आप कसम खाइए, आज के बाद आप किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं कसम खाता हूँ। ठीक है पापा, अब टुनटुनी को उसकी की सजा मिलेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी का गला दबा देती है और टुनटुनी की मौत हो जाती है। टुनटुनी की मौत के बाद टूनी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और बंटी अपना एक एनजीओ बनाता है जिसमें वो गरीब पक्षियों की मदद करता था। टुनटुनी बहू, तेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन तू अभी तक माँ नहीं बनी। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, लगता है बिना बच्चों का मुंह देखे मैं मर जाऊंगी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों,
मेरी सहेली हरी तोती ने एक बाबा के बारे में बताया है। वो नंदनवन जंगल में रहता है। तुम दोनों कल उनके पास जाओगे दिखाने, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अगले ही दिन बंटी और टुनटुनी अपने हवाई मोटर से निकल जाते हैं। रास्ते में काफी तेज बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता है और हवाई मोटर सीधा पेड़ से टकराता है। बंटी तभी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक भूतिया चिड़िया आती है। वो टुनटुनी के ऊपर जादू करके उसे झाड़ियों में फेंक देती है और खुद टुनटुनी का रूप ले लेती है। अब इसका पति मेरा है और मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा। फिर वो हवाई मोटर में बंटी को उठाने लगती है। उठो बंटी उठो, हम अभी मरते मरते बचे हैं, चलो घर चलते हैं। वो घर आकर बबली कबूतरी से झूठ बोलते हैं कि वो बाबा से मिलकर आए हैं। उस दिन से टुनटुनी बहुत ही अलग बर्ताव करने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी बबली और बंटी को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो भूतिया टूनी चिड़िया अपने असली रूप में घोंसले के बाहर पेड़ पर बैठी शैतानी पूजा कर रही होती है। आखिरकार मुझे इतने सालों बाद ये मौका मिला है। पर अभी तू इतनी खुश मत हो, तेरे शरीर में एक नहीं पूरे 10 बच्चे हैं, जिनको इस दुनिया में लाने के लिए तुझे हर महीने की अमावस की रात को अपने पति का खून लाकर मुझे चढ़ाना होगा। और तभी मैं तेरे एक एक बच्चे में जान डालता रहूंगा। जिस दिन तेरे ये 10 बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे, तू सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाएगी। मैं बस यही चाहती हूँ शैतान। मैं हर महीने अपने पति का खून लेकर आऊंगी और अपने 10 शैतानी बच्चों को जन्म देकर इस दुनिया पर राज करूंगी। उसके बाद वो हर महीने अमावस्या की रात को कैसे भी करके अपने पति को जख्मी करके उसका खून शैतान को चढ़ाने लगती है। ऐसे ही देखते देखते चुड़ैल को काफी महीने पूरे हो जाते हैं। अरे टुनटुनी, तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? बच्चे, ये तुम किन बच्चों की बात कर रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मुझे बुढ़िया, तू जा यहाँ से। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही है, इसे क्या हो गया है? बबली कबूतरी बहुत डर जाती है और घर से भागने ही लगती है कि तभी भूतिया टूनी चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो बबली की गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें पेड़ की डाल से नीचे फेंक देती है। बबली लुढ़कती हुई नीचे जा गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। वो बाद में भूतिया टूनी चिड़िया वापस टुनटुनी के रूप में आकर नाटक करने लगती है। वो बंटी कबूतर को फोन करके घर पर बुला लेती है। मेरी माँ, बेचारी मेरी माँ, हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही चली गई। एक रात टुनटुनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बंटी जल्दी से पड़ोस की बूढ़ी हरी काकी को बुलाकर लाता है। अरे तू चिंता मत कर। हरी काकी अंदर घोंसले में जाती है तो टुनटुनी का पेट देखकर ही डर जाती है। उसने कभी किसी का इतना बड़ा पेट नहीं देखा होता। टुनटुनी एक नहीं बल्कि 10 चिड़िया के बच्चों को जन्म देती है। हरी काकी 10 बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद वो बंटी कबूतर को जाके बताती है कि वो 10 बच्चों का बाप बन गया है। 10 बच्चे? हाँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी बच्चों की रोने की आवाज़ आने लगती है। बंटी और हरी काकी टुनटुनी के घोंसले में जाते हैं तो देखते हैं कि टुनटुनी नहीं बल्कि भूतिया टूनी चिड़िया बच्चों को खून पिला रही है। आखिर मैंने अपने 10 बच्चों को जन्म दे ही दिया, ये मेरे 10 बच्चे मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ये चुड़ैल है तो मेरी टुनटुनी कहाँ है? है भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक भूतिया चिड़िया के साथ रह रहा था और ये इतने सारे बच्चे इस चुड़ैल के हैं। अब क्या करूँ, मुझे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने तो तुम्हें नंदनवन जंगल के पापा के पास तुम्हारे भले के लिए भेजा था और ये क्या मुसीबत आ गई? दरअसल हम उनके पास पहुँचे ही नहीं थे, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम वहीं से वापस आ गए। हे भगवान, मुझे लगता है वहीं से कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे बोलती थी कि जब से टुनटुनी जंगल से आई है तभी से बदली बदली है।
हमें वहाँ के लिए अभी के अभी निकलना होगा। बंटी हरी काकी के साथ उस जंगल में उस बाबा के पास पहुँचता है तो वहाँ उनको टुनटुनी मिलती है। टुनटुनी तुम यहाँ? ये लड़की 9 महीने से मेरे पास है। इसके ऊपर किसी भूत या चिड़िया ने जादू किया है जिसकी वजह से इसे कुछ याद नहीं है। जब तक वो भूत या चिड़िया नहीं मिलती तब तक इस चिड़िया की याददाश्त वापस नहीं आएगी। ये मेरी पत्नी है बाबा, और इसकी जगह एक भूतिया चिड़िया मेरे घर में मेरी बीवी बनकर 9 महीने से रह रही है। बंटी शुरू से सारी बात बाबा को बताता है। बाबा उसी वक्त बंटी के घर जाते हैं। वो पूरे घर को गोला मार देते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया को अपने कब्जे में करते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, तू मुझसे बच नहीं पाएगा समझा, इसलिए खुद को मेरे हवाले कर। भूतिया टूनी चिड़िया कैसे भी उस बाबा के कब्जे में नहीं आती। फिर बंटी पीछे के रास्ते से जाकर छुपके से उस भूतिया टूनी चिड़िया के बच्चों को बाहर ले आता है। मेरे बच्चे, मुझे मेरे बच्चे वापस करो, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम एक भूतिया चिड़िया हो और तुम अपना खून पिलाकर इन बच्चों को शैतान बनाना चाहती हो। मैं इन बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जाऊंगी, ये मेरे बच्चे शैतान के बच्चे, इन्हें शैतान बनाकर मैं इस जंगल पर राज करूंगी, मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। बाबा अपने झोले से एक छोटी सी बोतल निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। तांत्रिक की शक्ति उस भूतिया चिड़िया से ज्यादा थी क्योंकि भूतिया टूनी चिड़िया के 10 बच्चे उस बाबा के पास होते हैं। बाबा भूतिया चिड़िया को बोतल में बंद कर लेता है। भूतिया चिड़िया के बंद होते ही टुनटुनी के ऊपर से भूतिया चिड़िया का जादू खत्म हो जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, इस भूतिया चिड़िया को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम दोनों अब इन 10 बच्चों के साथ खुश रहना। और हाँ, इन बच्चों को बेशक एक भूतिया चिड़िया ने जन्म दिया है, पर क्योंकि इनके शैतान बनने से पहले ही मैंने भूतिया चिड़िया को कैद कर लिया है। बाबा उस भूतिया चिड़िया को अपने साथ ले जाते हैं और बंटी और टुनटुनी उन 10 बच्चों को खूब प्यार से पालते हैं और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।